अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कुछ हो सब कह रहे? ये सुफियान भाई एक के जिशान राठौर और ये वजाद भाई एक के पीर दादा नहीं मेहरान। अच्छा मेहरान इन्होंने एक ली है, सुफियान भाई की गाड़ी है, उसका रिव्यू बनाने जाएंगे। उसके बाद फिर वो आगे वो कौन सी वो उसका भी रिव्यू बनाना है, अपनी रिबॉन का रिव्यू नहीं उसका सिनेमेटिक बनाएंगे। और वजह भाई खुश हो? अल्लाह का शुक्र। पापा तुम वीडियो में नहीं आ रहे थे अभी? नहीं, हम आ रहे। सुफियान भाई और सब तब सब सही? अल्लाह आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। भाई और वजह बाइक पे जा रहे हैं और सुफियान भाई गाड़ी चलाएंगे, उसका चलती गाड़ी में ना सिनेमेटिक्स बनाने तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। लोग बनाने का मकसद ये है कि मैं हूँ हैदराबाद में और जो पीछे है वो है शहदादपुर पड़ावा, तो इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। ये व्लॉग तो मैं मोबाइल पे एडिट कर लूँगा इसलिए उसकी परवाह नहीं है। बाकी जो क्या कहते हैं रिव्यूज़ जो है दो नहीं एक रिव्यूज़ जो है वो कंप्यूटर पे मैं एडिट करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर पे नेक्स्ट लेवल एडिटिंग हो सकती है, मोबाइल पे वो मैं लिमिट पुश नहीं कर सकता, तो इसलिए ये सीन हो रहा है। और मैंने कहा एक BTS व्लॉग आपके लिए होना चाहिए, कोशिश करूँगा आपको पूरी चीज़ें कवर करके बताऊँ कि कैसे कैसे ये मैं शूट करता हूँ। अभी तो उसने ब्लैक गाड़ी रखी नहीं है, पर अभी बाइक पे बैठ रहा हूँ पीछे। वजाद भाई आराम से चलाना, उसको समझा दिया है मैंने, पूरा गाइड कर दिया है भाई को ना, सुफियान भाई को। मजा आ रही है बहुत ज्यादा, एक्टिंग के बादशाह हूँ। बात को वजाद का बस चले ना उसको पादर मार। GoPro में यहाँ लगा था, GoPro में गाड़ी पे रख दिया, अभी बोला चलो बाद में लगाते हैं। और मैं सीक्वेंस में पूरे में GoPro यूज नहीं करता। वो सियाज आपको सामने नजर आ रही है, रक्षा है इसके आगे वो रही, हमने उसको यहाँ छोड़ा है यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई फोन भी हो जाने, मैंने बोला भाई यहाँ से तुम मैंने वैसे रेस दूँ ना ऐसे करूँ आप उड़ते हुए जाना, उड़ते हुए यक्के थोड़ी जाना ऐसे थोड़ी बोला था। यूटर्न से भी आगे चला गया। जी वापस अच्छे तू रिवर्स करे यार। ऐसी शूटिंग आज तक नहीं हुई हमारी। 50% शूटिंग हो चुकी है सिनेमेटिक सीन की, क्योंकि वो बंदा नया है तो उसको समझा गाइड करने में बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत लग रही है, अच्छी बात है। और आपको भी अगर रिव्यू का कोई सीन कराना हो हैदराबाद में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें। भाई कहानी में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आ गया, सुफियान भाई का एक काम है, उसकी वजह से वो रिव्यू जो है वो फिलहाल डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा आगे, एक दो घंटे आगे हो गया, ऐसे ही ना ऐसे ही एक दो घंटे इधर फरमाओ अभी फरमाओ। नहीं बस सही है तेरा, जो आपने बोला वो जान भाई पीछे बोलते कैमरा में नहीं बोलते। 5 मिनट बोल के आधा घंटा, अभी दूसरे पहुंचे हैं पार्टी के घर, उन्होंने ऑटो कल्टस लिए, उसका भी हम रिव्यू बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ कहीं नहीं जा रहे। चाय पानी पे ऑर्डर देने के बाद ड्राइवर चेंज हो चुका है, सुफियान भाई इधर आ गए, वजाद भाई उधर चले गए। और रिव्यू से पहले मैं सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सीटें हार्ड है, ऑब्जर्व वही और क्या कहते हैं मतलब अंदर अपने अंदर जमा कर रहा हूँ, रिव्यू में मैं वो कहूँगा। सुफियान भाई को वीडियो में आने का बहुत शौक है। अच्छा रिव्यू में तो इसलिए वो जो है वो साथ करेंगे। आप थैंक्स बोलना चाहते हैं रिबॉन के लिए? हाँ भाई, पराठा और चाय हमने यहाँ पे फोड़ी, दोनों चीजें सुफियान भाई ने जो है वो सीन कराया है, और चाय से पहले कोल्ड ड्रिंक लगा रही है, ड्यू लग पियेंगे और फिर चाय पी।
चिल फॉर दी चाय वीकेंड, चाय जिंदगी। दोपहर के 2:30 बज रहे, सुफियान भाई को हम करेंगे टाटा। सुफियान भाई थैंक यू, आपने अरे अभी बोलने तो दो आप आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। सुबह 10 बजे का उन्होंने कहा था, 11 बजे आए थे माशाल्लाह से, 11 बजे से अभी 2:30 बज रहे, रिव्यू शूट हो गया कंप्लीट। और वजाद भाई आपका भी शुक्रिया, आपने सिनेमेटिक्स में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। नहीं पैसे वाली बैंक नहीं है। और जो है ये मैंने ये मेरे को भर के अभी भिजवाएंगे। 0-100 भी हो गया, ठंडी सड़क पे हमने इसका 0-100 किया, मजा आया। और रिव्यू भी हमने एक अच्छी नई जगह किया था, अच्छी तो होपफुली जगह का नाम नहीं बताना, नहीं नाम नहीं बताऊं तो कॉपी हो जाती है। बाकी सब बढ़िया है। अभी इसके बाद जो है वो रिव्यू सुफियान भाई के लिए तो एंडोर है, अपना आगे चलेगा। अभी हम घर पे जाऊंगा, खाना वाना खाऊंगा, नाश्ता किया था वो तो आपको मैंने बताया था, दिन के 1 बजे नाश्ता किया था। फिर वो सरप्राइज जो है वो खुलेगा। हाँ नहीं वो तो बता दिया ना मैंने, रिबोन जो सुबह बताई थी, रिबोन के लिए एक बंदा और है, वो हायर करना पड़ेगा। वो तो जरूर उसको हायर करना पड़ता है। हाँ हाँ उसको चाय पिलाओ बस एक दवा वो आ जाता है, वो मुरीद बन राफे भाई तो व्लॉग देखेगा तो गालियां देगा भाई। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, राफे भाई है हमारा, भाई है वो ऐसा नहीं, पर चाय लाजिम है। हाँ चाय लाजिम है, जोर या थोड़ा कम हलन हो ना चाय वालों की। शाम को इंशाल्लाह थोड़ा सूरज नीचे हो जाए तो रिबोन को निकालेंगे, उसका भी बनाएंगे बीरोल। नहीं तो धूप में निकालना मना है उसे, धूप में भी वजाद भाई चले गए नहीं, वो जो चले वजाद भाई चलोगे अगर अभी चले अभी वजाद भाई बिल्कुल नहीं चले भाई, माजरा। ठीक है भाई टाटा, ठीक है टाटा। शाम के 5:30 हो रहे हैं अभी और बहुत ज़्यादा गेप हो गया, और गेप होने की वजह है कि मैंने खाना वाना खाया था और कुछ सोचा समझा कि उसको करना कैसे, तो क्या कहते हैं गुरु का जो एक लड़का है वो एक मिस है तो वो हाथ आ जाए तो भी हम जाएंगे रिबोन की वीडियो बनाने के लिए। अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के, बाजार भाई तो नहीं आ रहे वीडियो में, बाकी इनके ये माइट है क्या कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं शहर में, उनको गाड़ी लेनी है और रिबोन का जो सीन है सिनेमेटिक वाला सीन है वो इंशाल्लाह कल होगा, इंशाल्लाह कोशिश मेरी चल रही है तो इंशाल्लाह कल होगा, जितनी देर उतनी खैर। और भाई सब खैर है? और खैर से साईं, ये वही है जिनसे मैंने काली रिबोन वापस ली थी, ये वही है जो पहली थी गाड़ी नहीं दे रही व्हाइट वाली सिविक जो है उसका हर कोई मुझसे पूछ रहा है, और ये पूछ लेनी ये बोले आप पैसे बताओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बता, मुझे देनी नहीं है, बस यही सीने पर गाड़ियाँ देख रहे हैं, कोई मिल गई इनको, मुझे तो नहीं चाहिए, कोई मिल गई तो फिर ले लेंगे कोई।